मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था युवा प्रकोष्ठ में आप आते हैं, उसका लाभ आपके जीवन में कैसे मिले। हम लोग के जीवन में जब भी कष्ट होता, संकट होता है, तो हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, कष्ट सुनाते हैं, कुछ मांगते भी हैं। कभी कभी ऐसा अवसर आता है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब भगवान मांगता है सामला हो, और जब भगवान मांगता है उस समय जो कंजूसी करता है, कृपणता करता है, वो बड़ा ही घाटे में रहता है। ऐसा अवसर कभी कभी इतिहास में आता है जब समय, भगवान मतलब टाइम, ऐसा समय आता है जो कहता है साहब आप दो कुछ। आप सोचते हो कि साहब ये दुनिया जो है भौतिक जगत है, हम देंगे तो हमको क्या मिलेगा। लेकिन जिसने भी इस दुनिया में जब जब दिया है वो कभी घाटे में नहीं रहा है। देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है, लेने वाला घाटा में रह सकता है, लेकिन इतिहास साक्षी है जिसने जिसने दिया वो कभी घाटे में नहीं रहा। अभी जो समय चल रहा है इसमें भगवान मांग रहा है कि आप लाओ। आप पूछोगे क्या दें, हमारे पास तो जींस है, टी शर्ट है, उतरवा लीजिएगा तो नंगा हो जाएंगे, हम तो कंगाल हैं। सही है, चौकी है, एक कुर्सी है, थोड़ा बहुत पढ़ने का किताब है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं। साहब वो नहीं चाहिए भगवान को, भगवान को पदार्थ से कोई लेना देना। भगवान तो कहता है कि आप मेरे लिए थोड़ा समय निकालें। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, समय दान ही युग धर्म। अगर आप भगवान के लिए समय निकालते हैं तो समझिए हजार गुना नहीं लाख गुना आपके जीवन में रिटर्न मिलता है। भगवान किसी का रखता, धन दान भगवान ने नहीं मांगा है कि धन लाओ। धन तो पंडित जी लोग मांगते हैं, कथावाचक लोग मांगते हैं कि धन दे दो और धन लाओ, जो है सब उतार के रख के ही जाना, भगवान कल्याण करेगा तथास्तु। लेकिन भगवान कहता है हमें धन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, समय दान, समय का दान करो। किस चीज के लिए दान करें, आपका पूजा करें, गायत्री का मंत्र जपें। भगवान कहते हैं समय दान करो। और इस जलती हुई दुनिया में रात चारों तरफ आग लगा हुआ है लोगों के दिमाग में, बुद्धि में, विचार में, उस आग को क्या करो, शांत करो। ये काम भगवान का है और भगवान समय मांगता है। और भगवान जब मांगता है और लोग देने में कंजूसी करते हैं, वो बड़े घाटे में होते हैं। भगवान एक क्या है, कुआं है। कुआं कितने लोगों ने देखा है, कुआं में आप आवाज लगाओ, कुआं में आप आवाज लगाओ, समय नहीं है, क्या आवाज निकलेगा, समय। जो आवाज आपने कुआं में लगाया है वही आवाज कुआं से। आप भगवान को कहोगे समय नहीं है, तो जब आपके लिए समय की आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान भी क्या कहेगा, नो एंट्री। भगवान ये समय आया है, चारों तरफ लोगों के जीवन में हाय तौबा मचा हुआ है। एक भी इंसान हमें इस धरती पर लगता है कि आग लगा हुआ है। आश्चर्य होता है कि आदमी के जीवन में इतना समस्या कभी नहीं था जितना समस्या इन दिनों आ गया है, जबकि विज्ञान ने हमें बड़ा नजदीक पहुंचा दिया है एक दूसरे के। पहले हम लोग एक दूसरे से दूर रहा करते थे, महीनों किसी का हाल समाचार पता नहीं चलता था, अब तो मिनट टू मिनट हाल समाचार पता चलता है। आपने कोई पार्टी किया, तुरंत फेसबुक पर डाल दिया, सारे लोग आपको लाइक कमेंट करने लगे। वो लाइक तो मिल जाता है लेकिन भीतर का लाइक समाप्त हो गया है इन दिनों। इंसान का हृदय का दूरी बढ़ते हुए चला गया, आदमी आदमी को इन दिनों समाप्त हो गया है, मानवता समाप्त हो गया है। आदमी अरे जानवर भी मिलके रहना चाहता है, लेकिन इंसान इन दिनों न जाने कौन सी जिंदगी जीना चाहता है। उसको जिंदगी जीने का तरीका समझाना होगा, और नहीं तो ये सारे के सारे इंसान जो दिखाई पड़ रहे हैं ये किस रूप में हो जाएंगे, चांडाल, ये चांडाल का रूप धारण कर ले। इसलिए भगवान अभी समय मांग रहा है। ये जो हमारा अभियान चल रहा है, युवा प्रकोष्ठ का अभियान चल रहा है, गायत्री परिवार का अभियान चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको पूजा सिखाए, घंटा घंटा बजवाए आपसे, आप घर में घंटा बजाओ, यहाँ आओ, यहाँ संसार में अभी घंटा बजा हुआ है, इसको ठीक करना है, लोगों की बुद्धि को सही दिशा में लाना है। ये आसान काम है क्या,
नेता बन के आसान काम है, रोड बना दीजिए, पुल बना दीजिए, पुलिया बना दीजिए। मानव का निर्माण करना, मनुष्य का मनुष्यता में निर्माण करना, इंसान को इंसान बनाना, यही काम भगवान का है। और अभी इसलिए भगवान क्या मांग रहा है, क्या लाओ, समय लाओ, मांग रहा है। और भगवान जब समय मांगता है और जो उस समय को भगवान को देता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, जब जब मांगा है और जिनने दिया है वो कभी घाटे में नहीं रहे। भगवान राम ने भी मांगा था लोगों से कि साहब समय दो हमको। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, वो तो एक बार जो चाहते कर लेते, लेकिन उन्होंने भी मांगा लोगों से। लेकिन समझदार लोग कभी भगवान का काम नहीं करते, हमेशा बेवकूफ लोग भगवान का काम करते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है। ज्यादा बुद्धि वाला क्या करेगा, अच्छा कब तक फायदा होगा, अच्छा मान लीजिए हम समय दे दिए आपके कहने पर, अब फायदा नहीं हुआ तो। ये जो समझदार लोग होते हैं ये भगवान से कभी जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका हमेशा माइंड जो है टेक्निक टेक्नोलॉजी। आप अपने घर में अपने पत्नी से माइंड टू माइंड जुड़ोगे तो हमेशा झंझट होगा। कहां से जुड़ते हो, दिल से? लेकिन आजकल तो दिल पहले ही इतना निकल गया रहता है कि बसता कहां है। शादी के पहले कितना दिल निकल गया रहता है, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर, एक दिल दाबो तीन दिल चला जाता है, और बॉडी में एक ही दिल है, और रोज 10-20 को दिल जा रहा है। अब तो आपको कहां से आता है इतना दिल, ही तो आप ही बताइएगा। हैं, इन दिनों इंसान फर्जी जिंदगी जी रहा है, नकली जिंदगी जी रहा है, ओरिजिनल जिंदगी नहीं जी रहा है। नकली घी, नकली डालडा, नकली साबुन, नकली पेस्ट, सब चीज नकली, और इंसान भी नकली। असली चेहरा छुपा रहे नकली फितरत सा। एक गाना है यूट्यूब पर सुनिएगा, क्या मिली है ऐसे लोगों से, असली चेहरा छुपा रहे और नकली फितरत सा। इन दिनों आदमी के चेहरा देख के आप नहीं पकड़ पाओगे, इतना सातेल कि आप कई बार धोखा खा जाओगे। अरे क्या ये तो बड़ा स्मार्ट, अरे उसके स्मार्टनेस के पीछे वो सी नंबर का लुच्चा है, वो गंगा का आरती में नहीं जाता है, वो लुच्चा है। इन लुच्चों को ठीक कौन करेगा, इन लुच्चों को ठीक करने का कोई फैक्ट्री है क्या? इसी फैक्ट्री का नाम क्या है, गायत्री परिवार। इसी फैक्ट्री का नाम क्या है, युवा प्रकोष्ठ। जब यहां से माल निकलता है, ब्रांडेड माल निकलता है, तो ब्रांड का वैल्यू है। आने वाले दिनों में कैसा युवा चाहिए, ब्रांड, ब्रांडेड, ब्रांडेड युवा, ये ब्रांड है। अभी एक भाई कल मुझे मिले नालंदा से, तीन लोग आए थे, वो कहे मैं गुजरात गया तो गुजरात में एक युवा प्रकोष्ठ के भाई मिल गए, अपने युवा प्रकोष्ठ के। उन्होंने कहा वहां जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। उन्होंने कहा कि इतना मेरा सम्मान किया और मुझे कई जगह कार्यक्रम में ले गए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहां से हो, तो उस लड़के ने कहा साहब मैं तो पटना युवा प्रकोष्ठ में लंबे समय काम किया हूं। तो इस व्यक्ति ने कहा तभी तो तुम्हारे अंदर ये संस्कार है, वो जगह ही ऐसा है जहां जाता है तो लोगों के अंदर संस्कार बन जाता है। ये काम हो रहा है यार, ये काम कर रहा है युवा प्रकोष्ठ, ये काम कर रहा है, हजारों का जिंदगी बदल दिया है। कितना खैनी खाने वाला पाप कहते रह गया, चुरा के खैनी खाता था, यहां आने के बाद ऑटोमेटिक छोड़ दिया, हमने छोड़वाया क्या? वातावरण प्रभाव, जगह का, स्थान का, ये यहां पड़ता है। और यही तो भगवान का काम है। भगवान का काम और क्या है, भगवान का काम क्या है? गुरुदेव ने कहा अगर तुम भगवान के खेत में बोते हो तो हजार गुना तुमको मिलता हुआ चला जाएगा। ये समय बोने का है, ऐसा समय इतिहास में कभी कभी आता है। देश को आजाद होना था और गांधी ने लोगों से आवाज लगाई, युवाओं से, उस समय जो यंगस्टर थे, कि आप आओ और अंग्रेज को भगाना है। अंग्रेज कब तक भागेगा इसका कोई टाइम टेबल निश्चित था क्या? रिस्क कवर करना था, नो रिस्क नो रिस्क लेना था, कि मान लीजिए हम समय दिए गांधी के कहे पर आ नहीं भागा तंग आप। सही बात, और भारत के उस समय युवा होते थे, अब तो दिखते हैं होते नहीं है। अगर मशीन उशीन लगाया जाए तो ललका काटा एकदम पहुंच जाएगा जो। तो गांधी ने युवाओं को बुलाया, आह्वान किया, और उस समय के जितने युवा थे, नेहरू कितने बड़े बाप के बेटा थे, नेहरू उनके पिताजी कौन थे, मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े बैरिस्टर, बहुत
संपन्न व्यक्ति थे, और जब उनका एकलौता बेटा, एगो बेटा, सिंगल, लोग कहते हैं एकलौता है माई बाप के लिए एकलौता, और वो गांधी के कहने पर आजादी की लड़ाई में कूद गए। उनका शरीर इतना कोमल था कि उस जमाने में जो खादी का कुर्ता बनता था वो चरखा से बनता था, वो पहनते थे तो उनका शरीर छिल जाता था। और मोतीलाल नेहरू छाती पीटने लगे, जैसे कि आम माता पिता पीटते हैं कि, और उन्होंने गांधी को पत्र लिख दिया कि आप युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये अंग्रेज देश से कभी नहीं जाएगा, आप बेवकूफ बना रहे हैं। और गांधी ने जब वो पत्र पढ़ा, आज भी दिल्ली के म्यूजियम में वो पत्र सुरक्षित है, गांधी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगा कि भारत के पढ़े लिखे लोग जब ऐसा सोचते हैं तो मैं गरीब और निरीह जनता को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि अंग्रेज भागेगा और मैं भगा के ही दम लूंगा। और नेहरू ने बिना ये जानकारी के कि अंग्रेज कब तक भागेगा, जेल भी गए। कितने लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के अभियान का मजाक उड़ाते थे, जैसे युवा मंडल के अभियान का कई भाई मजाक उड़ाता है हॉस्टल में, लॉज में, गांधी के अभियान का मजाक उड़ाते थे कि साहब देश को बर्बाद कर दे। और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी के आंदोलन में भाग ले लिए, जितने युवा थे सब भाग ले लिए। उस समय उनका आरती उतारा गया होगा, घर वाला गांव वाला डर से बात नहीं करता था कि इससे सटेंगे तो हम अंग्रेज के नजर में दिखार हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने रिस्क लिया, समय को पहचाना, किन किन लोगों को घाटा हुआ बता दीजिए। नेहरू जी को घाटा हो गया, नेहरू जी को घाटा हो गया, नेहरू जी क्या बन गए, देश के, समय को जिसने पहचाना, बुलाया तो सबको गया था लेकिन मुट्ठी भर लोग ही आए थे। इसी बिहार के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ने में इतना जीनियस, इतना जीनियस, जब एग्जाम होता था तो 5 प्रश्न दिए जाते थे और लिखा जाता था कि नहीं 4 का उत्तर लिखे आप, वो 5 का 5 उत्तर लिख देते थे और नीचे लिख देते थे आप कि नहीं 4 को देख लें, इतना जीनियस। अभी तो आप कितने जीनियस हो, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पढ़ेबे नहीं हुआ था, कैसे पूछ दिया। आपका भौकाल वाला हालत है। और उतने जीनियस मैन गांधी के कहने पर कहां चले गए, देश की आजादी की लड़ाई में। उनकी माताजी छाती पीट के बेहोश हो गई कि हमारे बेटा गेलो, माला पकड़ ले लो गायत्री की, अब साधु हो जाए तो हरिद्वार चल जाए। तो क्या राजेंद्र बाबू को घाटा हुआ? राजेंद्र बाबू के भाई लोग भी थे, गोतिया लोग भी थे, अगल बगल जो गोतिया होता है, की कर लें बउआ, कुछ कर लें कि नहीं कर लें। किन किन गोतिया लोगों का नाम हम लोग जानते हैं, उनके भाई का नाम, लेकिन राजेंद्र बाबू का नाम जानते हैं, चूंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार में जन्म लिए, सर पर बस्ता लेकिन गंगा नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाते थे, और वो जब आजादी की लड़ाई में पड़े तो लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ये समय है, अभी लोगों के जीवन में सुन लीजिए, संकट है संकट, और ये दुर्बुद्धि वाला संकट है कि व्यक्ति के जीवन में इतनी दुर्बुद्धि है, हर व्यक्ति एक दूसरे को दिखाना चाहता है, हमको देखो, हमको 4 चक्का है, हम ऐसे गाड़ी घुमाते नहीं, तेरा गाड़ी जिस दिन ऊपर वाला घुमा देगा चल गल थी चाचा, गाड़ी एना घूमल थी कि हॉस्टल से कूद गल थी, है ना, समझ में नहीं आता है। तो गुरुदेव ने कहा है लोगों से कि बेटा ये 2023 समय नोट कर लीजिएगा डायरी में, 24 25 और 26 भीषण समय, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना घट सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। अभी एक ही चीज है, अगर आप सही अर्थों में भगवान के खेत में, यही समय है बोने का, लोगों का जीवन सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, उनके लिए समय मांगा जा रहा है कि हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं, और नहीं तो ऐसा करने वाला लोग कभी घाटा में नहीं रहेगा। ये समय दान, एक ही दान मांगा जा रहा है, कौन दान, समय दान। ये समय दान का बड़ा विशेष महत्व है।
जब जब भगवान का समय दान कोई देता है कभी घाट, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, सीना तान के खड़ा हूं, मैंने तो समय दान दिया। कितना साल? 29 साल। इंटर में गायत्री परिवार में जुड़ गए। अब आप कल्पना करो, क्या मुझे घाटा हो गया? शादी ब्याह नहीं हुआ? आप लोग को यह डर लगता होगा कि ब्याह होगा कि नहीं होगा। ऐसे संभावना है कि हो सकता है न हो, लेकिन भगवान का काम करने वाला का शादी होना ही होना है, ऐसे है। और एक बात सुन लीजिए, भगवान से जुड़ने का बड़े फायदे मिलते हैं। कल को आपकी पत्नी आएगी, आरे तिरछे आएगी, लेकिन अगर आप गायत्री परिवार से और उसे भी जोड़ दिया तो सीधे हो जाएंगे। ये गायत्री परिवार का हमने प्रभाव देखा, इधर का भी वही हाल है। आप समझ लो, गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के जीवन में गुरुजी ने लिखा है वो सब मिलता है, लेकिन खाली अपने लिए मांगते रहोगे तो कभी आपको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। दूसरे के लिए भी कभी कुछ सोच के देखिए, भगवान का काम यही है, थोड़ा सा दूसरे के लिए सोच। जो दूसरे के लिए सोचता है उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, किसी चीज की कमी नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं जब गांव में रहता था तो गांव में एक आध लोग गवर्नर का चर्चा करते थे। गवर्नर लड़ाइयों होता है कई बार, तो पूछता है तू लाट साहब के बेटा है रे? लाट साहब किसको कहते हैं पता है? गवर्नर को। कई बार लड़ाई होता है गांव में, देहात में, लॉज में, हॉस्टल में, तो जोश आता है तू लाट साहब है तो और बात मानेंगे। तो हम लोग सोचते थे कि साहब आज देखो भगवत कृपा ऐसी, एक गवर्नर नहीं, ईशुआ मंडल में बिहार में जितने गवर्नर आए जितने, वो सब युवा मंडल में आए। ये साधारण शक्ति आपको लग रहा है क्या? ये ताकत आप जानते हो कितनी बड़ी ताकत? कोई नेता मंत्री मुख्यमंत्री ऐसा है जो यहाँ नहीं आया, सारे लोग जानते। और एक चीज हमने देखा है, युवा मंडल से जुड़ने वाला व्यक्ति और जुड़ के कुछ करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी घाटा नहीं होता। भगवान के यहाँ जमा कुछ करवे नहीं किया, अब फूल लेके आ, अगरबत्ती लेके आ, दिया लेके आए, उसको दिया दिखा रहे हैं बुड़बक, उसको बरका दिया है, बरका दिया देख रहे हैं, रोशनी फैला दिया। आप उसको ढिबड़ी दिखाते हैं, ढिबड़ी लीजिएगा। आप बताइए, कोई लाइन में रह रहा है, बिजली का बॉल जल रहा है और उसका सब लाइन ऑफ करा के कहिएगा दिया में रहिए ना, माने भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। आई मुकुंदाना दिखाते हैं, लड़ुआ खाइएगा, हरिलाल का है। एंड भगवान ठगाता नहीं, ठगाते आप हैं। खाता में जमा है ये नहीं है और चेक पर चेक काटे जा रहे हैं, 10-20 को चेक काट दिए, रेलवे के चेक दे दें, रेलवे में हो जाए भगवान, आई बार रेलवे हो जाएगा ना तो समय दान देंगे। अरे तू ऐसा, भगवान कहता है पहले लाओ तब देंगे। हम लोग जमा किए हैं, जब चाहते हैं चेक काटते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारा जो जमा होगा, और तुम मांगना मत, तुम कहना कि ये काम मेरा कर दीजिए, फ्री में, भगवान फ्री में करता है। माफ करिएगा, फ्री का धंधा भगवान ने बंद कर दिया है। भगवान को समझ लोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं समझोगे तो मंदिर मंदिर भटकते रहोगे।